बाजार में पेमेंट करना। पेमेंट हमेशा पेमेंट ऐप जैसे कि भीम ऐप, गूगल पे, पेटीएम या अपने बैंक ऐप से ही करने की कोशिश करें। अगर दुकानदार को कैश दें तो जितने का सामान है उतने ही खुले पैसे दें। दुकानदार से सिक्के या नोट ना लें, उनमें वायरस हो सकता है। अगर लेने पड़े तो उन्हें हाथ में ही रखें और घर पहुंचते ही कागज के नोटों को टेबल पर रखकर किसी और से उस पर गर्म इस्त्री करवाएं। सिक्कों को 70% अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइजर से या साबुन से धोएं, उसके बाद अपने हाथों को भी साबुन से धो लें। जी हाँ, कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए हमें बाजार में लेन देन के नए नियम सीखने होंगे, सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। अपने पास हमेशा कुछ साफ कागज के टुकड़े रखें। लिफ्ट का बटन दबाने से पहले कुछ कागज के टुकड़े अपनी उंगली में लपेट लें। अब उसी उंगली से लिफ्ट का बटन दबाएं। लिफ्ट से निकलते ही अपनी उंगली में लिपटे कागज को डस्टबिन में डाल दें। अब हो सके तो लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें और सीढ़ियों की रेलिंग को ना छुएं। कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें लिफ्ट और सीढ़ियों के इस्तेमाल के नए नियम सीखने होंगे, सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। आज हम सीखेंगे कहीं बाहर से आने के बाद घर में कैसे जाएं। घर का दरवाजा ना छुएं। दरवाजा खोलने के लिए किसी को घर के अंदर से बुलाएं। और बाहर से लाया गया सारा सामान दरवाजे के पास या फिर किसी और जगह पर रख दें। अब सीधे बाथरूम में जाएं और अपने हाथ और मुंह को 20 सेकंड तक साबुन से धोएं। अगर भीड़ भरी जगह पर गए हो तो अपने कपड़ों को डिटर्जेंट के घोल में डुबोकर अच्छे से नहा लें। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें बाहर से घर के अंदर आने के नए नियम सीखने होंगे, सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को हर दिन हराएंगे। We'll be right back.